नमस्कार, नेशनल खबर 9 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इस वक्त बुलेटिन देश प्रदेश। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे तमाम शहरों से तमाम अहम और बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं इस खबर पर एक नजर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद हरदोई से, जहां डीसीएम और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में 6 की मौत हुई है और 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना उस समय की है जिस समय तिलक चढ़ाकर ट्रैक्टर ट्राली से वापस लौट रहे थे घर, तभी बिलग्राम के सदरपुर के पास यह हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है और 28 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को ट्वीट कर चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने तथा बीमा धनराशि उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई का है, जहां हरदोई जिले में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 28 लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस भीषण हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ा हादसा होने से मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी तिलक चढ़ाकर ट्रैक्टर ट्राली से वापस लौट रहे थे। यह सभी लोग तभी रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही थी, डीसीएम ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्राली पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों के ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो वहीं 28 लोग हुए हैं घायल, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस दर्दनाक घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को ट्वीट कर चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने तथा सर्वहित बीमा योजना का तुरंत लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल आदि को कार्रवाई के लिए लगा दिया गया है। पूरी घटना थाना बिलग्राम क्षेत्र की है, जहां पर तिलक चढ़ाकर ट्रैक्टर ट्राली से वापस लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्राली में डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई व 3 लोगों ने बिलग्राम CHC में दम तोड़ दिया। घटना में करीब 28 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बघौली क्षेत्र के भारतपुरवा गांव निवासी प्रकाश की लड़की माधुरी का तिलक चढ़ाने बिलग्राम क्षेत्र के सुखेड़ा धोंधी गई थी। तिलक चढ़ाकर जब यह लोग वापस लौट रहे थे, तभी सदरपुर के पास रात करीब 2 बजे इनकी ट्रैक्टर ट्राली को DCM ने टक्कर मार दी। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रदर्शी, अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह सहित अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। हादसा हुआ है, कहां हुआ है और कैसे ये पूरा हादसा हुआ है? ये एक तिलक समारोह से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में लौट रहे थे अपने सांडी क्षेत्र से, और वो वापस अपने घर जा रहे थे। तो बिलग्राम माधोगंज रोड पर एक सदरपुर के पास ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें DCM और ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों आमने सामने टकराए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। 3 लोग ऑन स्पॉट मृत्यु हुई, 3 लोग अस्पताल आने के दौरान। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसको लखनऊ रेफर कर दिया गया, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। कैसे ये हादसा हुआ और क्या इसमें पूरा कुछ? जो लोग यहाँ एडमिट हैं उनका कहना, हमें कुछ नहीं जानकारी है, एकदम से धड़ की आवाज़ आई और उसके बाद बस हम लोग गिरे, उन लोगों को यहाँ अस्पताल भर्ती किया। सर, ये बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ है, इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है? बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में आज जो एक सड़क हादसा हुआ है जनपद में, उसमें 6 लोगों की मृत्यु की सूचना है। ये सभी 6 लोग गांव भरतपुरवा, जो कि थाना बघौली और तहसील सदर में पड़ता है, वहां के निवासी थे। तत्काल ही हम लोगों ने वहां पे गांव में लेखपाल को, नायब तहसीलदार को और SDM साहब को भेजा गया है। ये लोग सभी अभिलेख इन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक खाते की डिटेल ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सर्वित योजना के अंतर्गत इन लोगों को लाभ भी दिया जाएगा, साथ ही साथ जो लोग